गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हम हैं बालकनी में, हम बालकनी में बैठे हैं और आज ये दोनों छुटकू मुटकू बहुत लेट उठे हैं, लगभग 10 बजे। और जब तक हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं, ये ऑफिस जा चुके हैं, नाश्ता बन चुका है। क्या दिखाना चाह रहे हो? छोटा वाला फिसलने का। वो ये फिसलने का दिखा रहा है सबको। इसकी लाइट बहुत कम। नहीं करूँगा चेतावनी। नहीं करोगे? पक्का? प्रॉमिस करो। सॉरी बोलो। खुद से बोल रहा है, हम कुछ बोल भी नहीं रहे इसको। ये इसलिए बोल रहा है कि मम्मा मुझे पार्क में जाने दो। इसीलिए एडवांस में पटा रहा है मेरे को। तो हमारे सारे काम हो चुके हैं आज, बस बर्तन धोने। और हमारी काम वाली नहीं आ रही हाथ से, तो बोला दीदी मैं नहीं करूँगी, आपके बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। झाड़ू मैंने लगा ली थी, पोछा इन्होंने लगा दिया था, फिर ऑफिस चले गए। अब मैं अपने काम करूँगी। बच्चे अब तक सो रहे थे तो इनका रूम अभी तक ऐसा कैसा पड़ा है। अब जाके मैं फटाफट से वो क्लीन करूँगी। और ये सो रहे थे तब तक मैंने थोड़ा अपना काम निपटा लिया है काफ़ी कुछ। अभी जग गए हम तीनों मिल के, अब ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में मैंने मेथी के पराठे बना के रख दिए थे जल्दी। ये कोई दिखाने की चीज़ होती है? बहुत कबूतर है ना यहाँ, कबूतर बहुत सारे हैं। कबूतर पॉटी कर सकता है यहाँ पे, आप नहीं कर सकते यहाँ पे। कबूतर यहाँ पॉटी करे तो बोले मैं भी पॉटी कर लूँ यहाँ। नहीं आप नहीं कर सकते, आप बड़े बच्चे हो। वो कबूतर है, आप कबूतर हो क्या? नहीं गंदी हरकत नहीं। सैटरडे छुट्टी वाले दिन बनाएंगे। पियू के फेवरेट आलू के पराठे, तो शी इज आफ्टर मी कि मम्मा आलू के पराठे बना दो। तो संडे पर छुट्टी वाले दिन बनाएंगे ना, आराम से खा लेंगे। मम्मा आज है क्या मेरा एग्जाम? नहीं 19 तारीख को है सीधा। पियू के एग्जाम्स मैंने जैसा कि बताया था, स्कूल वाले भी बिल्कुल कंफर्म नहीं कि उन्हें क्या करना है। बलून कहाँ है? आपका बलून मुझे नहीं पता, आपने कहाँ रख दिया? हाँ क्या बलून? मत बताना। तो स्कूल से अब नोटिस आया है कि अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट हो गए, अगर ऑनलाइन दिलाना चाहते हैं तो उन्होंने नई डेट शीट दी है 19th से। तो 19th से पीयू के ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। हे गाइस, और जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि ये व्लॉग मैंने डाला है सपना मनोहर की वेडिंग एनिवर्सरी। बट एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने इन्विटेशन भेजा था मुझे फॉर द वेडिंग एनिवर्सरी, बट जिस दिन उनकी एनिवर्सरी थी उससे एक दिन पहले ही हम लोग गुजरात आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे। तो कल उनसे मेरी बात हुई और जिस दिन हम लोग निकले थे उससे एक दिन पहले वो आए भी थे और बोल भी रहे थे जी आप आना ज़रूर आना। बट अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हमारा डेट क्लैश हो गया और नहीं जा पाई। तो कल उनसे मेरी बात हुई थी, हम दोनों ने काफ़ी देर तक बात करी। तो उन्होंने बोला जीजा कोई बात नहीं, मैं आप नहीं आ पाए, मैं आपको अपने जो भी वेडिंग एनिवर्सरी के वीडियोज़ थे वो शेयर करती हूँ, आप देखना बताना कैसे थे। तो आई विल बी शेयरिंग दोज वीडियोज़ ऑल्सो इन द व्लॉग कि उनका कैसा रहा था फंक्शन। तो हमारी तरफ से उन दोनों को ही, कुलदीप जी को, सपना जी को, दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमेशा वो ऐसे ही हंसते खेलते रहें, खूब तरक्की करें, खूब आप लोग अपना प्यार उन पे बना के रखें और खूब उनकी उन्नति हो, प्रगति हो। मन तो बहुत था बट नहीं जा पाए बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि हमें यहाँ आना था। अगर ये होता ना कि अगर नेक्स्ट डे भी मुझे मॉर्निंग में जल्दी निकलना था तो भी मैं थोड़ी देर तो जाके आती और सबसे मिल के आती। वहाँ पे शोभा जीजा भी आए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है इस बहाने, वरना हमारा मिलना काफ़ी इवेंट की बात से हो ही नहीं पा रहा है। सपना से तो मैं रेगुलर मिलती रहती हूँ बट उनसे नहीं हो पाता, तो उनसे भी मिलने का मन था मेरा आने से पहले बट नहीं हो पाया, तो उनसे भी मिलना हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ रहा कि मैं उनका जो फंक्शन था उससे एक दिन पहले आ गई। सो इसलिए उन्होंने मेरा मन ऐसे हो रहा था कि अरे यार मैं आ पाती काश। तो इसलिए उन्होंने मुझे वीडियोस भेजे कि जीजा मैं आपके लिए वीडियोस भेज रही हूँ, आप उनको देख लेना और समझ लेना कि आप आ गए थे, हम भी मान लें कि आप आ गए थे। तो दैट्स रियली स्वीट ऑफ हर। सो आई एम अटैचिंग दोज वीडियोज़ आफ्टर दिस कि और मैंने सीरियसली देखे वीडियोज़, काश मैं चाहती। कितना अच्छा फंक्शन हुआ उनका, बहुत ही शानदार, बहुत ही रॉयल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही असम था सीरियसली। तो आप लोग भी वो क्लिप्स देखिए। Oh,
किसी भी गली में जाओ तेरी। इतने प्यारे प्यारे क्लिप्स थे उनके एनिवर्सरी के, बहुत ही अच्छे थे। आई मिस्ड इट, सीरियसली आई मिस्ड गोइंग टू हर फंक्शन। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी जयपुर जाएंगे तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको हमारा ये व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यूँ ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।